हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है गेमिंग विद लैला के बारे में। तो आपको पता होगा कि गेमिंग विद लैला का शादी होने वाला है। तो अभी इसी के ऊपर उन्होंने अपना शादी का डेट बताते हुए कहा कि उनका शादी 15 को यानी कि आज होगा और बाद में वो शादी और फंक्शन का ब्लॉग भी लाएंगे। तो इसके ऊपर ही उन्होंने एक वीडियो अपलोड करते हुए क्या कुछ कहा था उसके ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट आई विल ट्राई कि यार जब भी मतलब कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन जो भी है, ठीक है, तो वो तुम लोगों से शेयर करते रहे। एंड हाँ, मतलब जो शादी की डेट है वो भी तुम लोगों को बता देते, बिकॉज काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आपने अभी बताया शादी की डेट कब है, क्या है, ठीक है। सो शादी है 15 को ही, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना लेट तुम लोगों को इन्फॉर्म करी हूँ उसके लिए, ठीक है। सो तुम लोग जरूर से आना शादी में, एंड बाकी आगे का कंटिन्यू जो है फंक्शन वो जरूर से देखना, ठीक है। हमारा अगला न्यूज है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो इन दिनों ज्ञान गेमिंग को 10,000 करके काफी लोगों ने सुपर चैट दिया था, पर इन लोगों ने बस अपना चैनल प्रमोट करने के लिए ये सब सुपर चैट दिया था और बाद में रिफंड कर लिया था। और इनमें से काफी लोग अपने चैनल पे स्कैम भी करते हैं। तो अभी इसी के ऊपर ज्ञान गेमिंग ने बात करते हुए कहा कि ऐसे सुपर चैट देने वाले काफी लोगों को ज्ञान गेमिंग ने ब्लॉक किया, पर ये लोग हर दिन नया नया जीमेल बना के फिर से आते हैं। तो इन सब के ऊपर ही ज्ञान गेमिंग ने क्या कुछ कहा था सुन लीजिए। यार मैं सुपर चैट रिमूव कर दूं, यार क्लिक करके सुपर चैट क्लिक बट कर, अरे वो गैस कितना रिमूव करूं मैं, हर दिन जैसे बंदे को 5-6 बार बस रिमूव कर दो तब यार आ जाते गैस, क्या करूं मैं यार, बताऊं कितना रिमूव करूं अकाउंट गैस, बताओ यार, और कितना रिमूव करूं यार, कितना रिमूव किया जाए गैस बताओ यार, इतना रिमूव करते इतना रिमूव करते भैया, एक के बाद एक ही आ जाता है गैस। देखो मुझे एक तो गैस रोना आ रही है, अब बोलोगे गैन भाई क्यों, क्योंकि यार ये सारे सुपर चैट रिफंड हो जाता है। अच्छी बात है कैसे यार, क्यों करते हैं आप लोग यार ऐसा, क्या जरूरत पड़ती है चैलेंज के लिए यार। मैं कैसे पता है कैसे 40-50 कम से कम गैस, मैंने कितने बंदों को मैंने ऐसे ब्लॉक किया मैंने खुद नहीं पता, मैं तब भी ये लोग नया जीमेल अकाउंट बनाता है और आता है, समझ रहे मैं क्या ही करूँ बताऊँ। अगला न्यूज है जोंटी गेमिंग के बारे में। तो आपको पता होगा कि जोंटी गेमिंग अभी बूट कैंप पे है, और आपको पता होगा कि नॉर्मली किलर बूट कैंप पे रहते नहीं, पर जोंटी गेमिंग ने इसके ऊपर ये कहा कि इस बार किलर भी बूट कैंप पे आने वाले हैं। तो इसके ऊपर ही जोंटी गेमिंग ने क्या कहा था सुन लीजिए। एंड आप सब पूछ रहे थे कि व्लॉग में कि किलर क्यों नहीं आया, तो किलर इसलिए नहीं आया गाइस, वो आया था दिल्ली, लेकिन उसको कुछ काम आ गया घर पे, कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो अपने भाई के साथ दोबारा वापस चला गया घर पे, लेकिन वो जल्दी ही बूट कैंप में आएगा, और जब बूट कैंप में आएगा तो हम बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। एंड पहाड़ी का भी आप पूछ रहे थे, तो पहाड़ी नैनीताल गया हुआ है अपनी फैमिली के साथ, एंड वहां पर क्या है कि थोड़ा गाड़ी का प्रॉब्लम है, या वो आ रहा था लेकिन गाड़ी का प्रॉब्लम था, 11 की उसकी टिकट थी बट नहीं आ पाया, बट अभी एक दो दिन में वो यहाँ बूट कैंप में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं टू सेट गेमर्स के बारे में। तो फ्री फायर के तरफ से टू सेट गेमर्स के ऊपर एक जानी क्या वीडियो आने वाला है, और फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल चैनल पे इसका टीजर भी आ चुका है। तो अभी देखने वाली बात है कि कब तक इसका फुल वीडियो आता है। अगला न्यूज है टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने फ्री फायर के फेक चैनल के ऊपर बात किया, और इसके ऊपर टोटल गेमिंग ने ये कहा कि ये सब चैनल जो उनके बारे में फेक देते हैं वो सब 90% फेक होता है। और इसके अलावा टोटल गेमिंग ने इसके ऊपर क्या कुछ कहा था सुन लीजिए। उसका अलग टेम्पलेट होता है भाई, फेक्ट वालों की तो जिंदगी भाई मैं क्या बोलूं यार, मतलब क्या जिंदगी है फ्री फायर के फेक्ट वालों की, मतलब हद है यार, मतलब जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं, मैं तो कई बार मेरे खुद के फेक देख के बोलता हूँ ओ माय गॉड ये कब हुआ भाई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये सभी था क्या मेरी साइड से, मतलब ऐसे ऐसे फेक्ट दिमाग खराब कर देते हैं, फिर लगता है क्या स्ट्राइक मार के बात खत्म करते, फिर सोचते कि चलो जाने दो यार क्या करे, इन लोगों को भी तो वीडियो बनाना है। बट जो फेक्ट ये लोग बताते ना भाई, मैं सच्ची बता उसके अंदर 10% फेक्ट भी सच्चे नहीं होंगे। एक तो मैंने देखा गाइस, क्या बता आपको अज्जू भाई को वीबीएच क्यों नहीं मिलता, मैं भाई साहब अरे यार हद हो गई यार, मैं बोला यार वो वीडियो के अंदर लिटरली जितनी चीजें बोली गई सभी झूठ बोली गई। वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं भाई बढ़िया कंटेंट, भाई बहुत बढ़िया बताया तुमने यार। और फेम क्लेशर ने टूबी गेमर हैकर के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया, और इसमें फेम क्लेशर ने पूरी तरीके से ये नहीं कहा कि टूबी गेमर हैकर है या नहीं, क्योंकि टूबी गेमर के नाम पे एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, और इसमें भिंसेंट जो जिस हैक का यूज करता है उसी हैक का नाम लिखा था, और इसके ऊपर ही फेम क्लेशर को किसी ने स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर किया था। और ये सब वायरल होने के बाद जो टूबी गेमर ने कहा था कि वो इसके ऊपर रिप्लाई देंगे, वो रिप्लाई अभी तक उन्होंने दिया नहीं, और इसके साथ ही वो जो रिप्लाई देने का कम्युनिटी पोस्ट किया था वो भी डिलीट
डिलीट कर दिया। तो इन सब को देख के लोगो को उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो अभी देखते है की इसके ऊपर टू बी गेमर कभी रिप्लाई देते है या नहीं। और आपको अगर फेम क्लेशर का ये वीडियो देखना है तो जाके देख सकते है। और गाइस हमारे फ्री फायर फनी वीडियो चैनल चुटकी मार पे एक नया वीडियो आ चुका है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो देसी सोरा वाईटी ने कंप्लीट कर लिया है 200 के सब्सक्राइबर और एफएफ अंतरियामी ने कंप्लीट कर लिया है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।